बार जरा इस सेफ्टी को देखिए आपके स्क्रीन पर लगभग 141 अंक नीचे यानी कि आप देखें अभी भी साइजेबल गिरावट लेकर कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पैनल में दो टेक्निकल एनालिस्ट हैं अभिजीत पॉल हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जय ठक्कर हैं, हमारे साथ टी एस हरिहर और साथ ही साथ हमारे साथ गौरांग शाह फंडामेंटल से बात कर रहे हैं। एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जिसको मैं शायद आपको कमरों के लिहाज से बताना चाहूँगा। एक आप देखिए महिंद्रा CIE, इस स्टॉक में कंपनी की बोर्ड बैठक आज है और प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने और रकम जुटाने की योजना को लेकर आप देखेंगे बैठक हुआ है। उसके बाद एक और स्टॉक देखिए वो है सुबेक्स। यहाँ पर खबर यह है कि कंपनी की आज बोर्ड बैठक है और यहाँ पर भी प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने को लेकर आप देखेंगे बैठक है। और एक सुप्रजीत इंजीनियरिंग तीसरा स्टॉक आप देखिए वेस्टकॉन कंट्रोल में हिस्सा खरीदी और अमेरिका की कंपनी है ये वेस्टकॉन कंट्रोल, तो एक साइजेबल अमाउंट बाय करके इन्होंने इस US कंपनी को एक्वायर किया है। इसमें से कोई ट्रेड जय महिंद्रा CIE सुबेक सुप्रजीत इंजीनियरिंग और फॉर दैट मैटर अगर मैं EV फैशन को भी जोड़ दूं यहाँ पे NCDs के जरिए रकम जुटाने की शेयरधारकों की मंजूरी मिली और कुल करीब 1250 करोड़ जुटाने की इनकी योजना है। इनमें से कोई स्टॉक जिसको आप टेक्निकली थोड़ा सा एडमायर करते हो? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट महिंद्रा CIE मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा बेस पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। एक अच्छा बेस पैटर्न के साथ ही उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने मिला है, विच इज अ वेरी गुड साइन गोइंग अहेड। इसका प्रीवियस जो राइज था वीरेंद्र काफी एक इंपल्स मूव था, उसके बाद ये जो करेक्शन देखने मिला है तो आई डोंट थिंक जब तक ये बेस वायलेट होता है 180 के नीचे क्लोज होता है ये स्टॉक तब तक कोई भी नेगेटिविटी ये स्टॉक में देखने मिलेगी। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, अगर थोड़ी भी डीप देखने मिले तो इसमें एक बाय पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म में टारगेट बनेंगे वो 222 के रहेंगे और उसके ऊपर कम से कम 240-245 के। जी चलिए, इसके अलावा एडवाइस ब्रोकिंग के जो आज के दो टॉप ट्रेड्स हैं उनको भी जान लेते हैं। हमारे साथ सागर दोषी फोन लाइन पर मौजूद है, रिसर्च एनालिस्ट हैं एडवाइस से। सागर गुड मॉर्निंग, आज मार्केट्स की कमजोर शुरुआत हो सकती है, इस शुरुआत के बीच में आपके दो टॉप ट्रेड्स आज के लिए कौन से रहेंगे? वो एक भारत फोर्स सेल है एंड सेकंड टॉपिक है बाय IRB है। सो बेसिकली ये दो जो कॉल्स है उसमें आइडियली जो सेल भारत फोर्स है वो सेल भारत फोर्स है 870 लेवल और स्टॉप लॉस है वो 900 रहेगा और स्टॉप में टारगेट 830 और 810 रहेगा। सो बेसिक रीजन बिहाइंड दिस कॉल इज भारत फोर्स जो 2016 के हाई पे ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वीकली चार्ट देखेंगे भारत फोर्स के तो उसमें शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हुई है विच इज यूजुअली टॉप आउट पैटर्न एंड जो लास्ट वीक में प्राइस ने 5% करेक्शन दिया है फ्रॉम हाईज एंड वो ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैव सीन ओआई बिल्डअप इन दिस स्टॉक विच सजेस्ट के शॉर्ट बिल्डअप भी स्टॉक में हुई है। एंड शॉर्ट टर्म चार्ट देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस एक दिख रहा है चार्ट पे विच सजेस्ट स्टॉक में करेक्ट 8-10% फ्रॉम करंट लेवल एंड विद सो वी कैन शॉर्ट दिस काउंटर विद द स्टॉक प्राइस ऑफ 900। वेरेज जो दूसरा कॉल है विच इज बाय IRB, सो IRB इन देर बाइंग IRB इज इन द रेंज ऑफ 200-240 to 242, स्टॉप लॉस रहेगा 228 एंड द टारगेट है 265। द की रीजन बिहाइंड दिस स्टॉक टू बाय इज स्टॉक हैज गिवन अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट विद अ हायर वॉल्यूम्स एंड प्राइस इज क्लोजिंग अबाउट 20 वीक्स हाई विच सजेस्ट स्टॉक इज इन बुल ट्रेंड। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है इन दिस काउंटर, इट्स एट 2 years हाई, सो राइजिंग हायर हाई फॉर्मेशन ऑन डेली चार्ट विद राइजिंग वॉल्यूम एंड इन एडिशन टू दिस डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ लास्ट वीक ऑन एवरेज विच इज 3x ऑफ लास्ट 30 डेज, सो डिलीवरी वॉल्यूम हाई हो रहा है, दूसरा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, सो ये स्टॉक करंट लेवल पे 240 अराउंड। चलिए शुक्रिया सागर, आपका दो ट्रेड्स बताए हैं आरबी इंफ्रा बाय और सेल करने की सलाह है भारत फोर्ज, लेकिन आज का टुडेज ट्रेड कौन सा ये जान लेते हैं। हर रोज वीरेंद्र बताते हैं टुडे स्ट्रेट, उन्हीं से जान लेते हैं आज कौन सा स्टॉक है वीरेंद्र। जी दीपाली, अगर आप देखें आज एक ऐसा स्टॉक जो कि शायद आई थिंक इंस्टीट्यूशनल बैंक अपनी तरफ खींच रहा है, आज का स्टॉक है लवेबल लॉन्ड्रीज और देखिए करीब करीब यहां पर आपके पास शॉर्ट टर्म में 15-17 रुपए और मीडियम टर्म में बहुत कुछ और लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ है कमाने के लिए। देखिए आज हम लवेबल लॉन्ड्रीज, पहले मैं बताता हूँ फंडामेंटल रीजन यहाँ पर। एक तो कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं आप जानते हैं काफ़ी अच्छे कैश फ्लोज हैं, पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, जून तिमाही में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के अंदर हिस्सा जो था बढ़ाया कमिटमेंट, और रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम आई थिंक से जुड़ा हुआ है तो शायद अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। और FY16 में इनका जो मुनाफा था वो करीब 17.5% बढ़कर करीब 23 करोड़ रुपये रहा था। दैट मीन्स Q4 तक आते आते Q1 तक आते आते स्थिति काफ़ी अच्छी हुई थी और इसीलिए अगर आप देखें तो आई थिंक कुछ फंड्स ने इसको अपने लक्ष्य पर रखा है। अब यही वक्त क्यों खरीदने का मैं आपको बताता हूँ।
जाइए पहले वीकली चार्ट्स पे देखिए। वीकली चार्ट्स पे मैं ये क्यों आज बात कर रहा हूँ इसकी, CY16 का माफ कीजिएगा कैलेंडर वर्ष 2016 का ये जो पिछला हफ्ता रहा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीक था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स अलॉन्ग विद प्राइस बिहेवियर। पहले भी वॉल्यूम्स इतने अच्छे थे लेकिन प्राइस बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था, हायर शेडोज काफ़ी बड़ी थी, प्राइस ऊपर टिक नहीं पा रहा था, लेकिन इस बार ये जाकर हफ्ते के क्लोजिंग में ऑलमोस्ट डे हाई पर और हाई वीकली क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। देखिए इसने क्या किया, इसने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया, अभी इसको सिर्फ 278 पर एक 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार करना है, वो शायद ही कर ही लेगा आज, और उसके बाद ₹300 जो है इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसलिए मैं कह रहा था कि ट्रेडर के पास अभी ₹15 है यहाँ पर। लेकिन आप ये देखिए जब मैं इसको डेली पे कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसको क्वार्टरली पे कन्वर्ट करता हूँ, अब बहुत दूर तक शायद 350-340 तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है दीपाली, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, यानी मेरे पास एक अच्छा 65-70 रुपये का रूम बाकी है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं पिछले 3 दिन से इसके वॉल्यूम्स में सडन पिक है, शुक्रवार का डिलीवरी वॉल्यूम 47%, यानी याद रखिए माइट बी इंस्टीट्यूशंस के टारगेट पे है, और इसीलिए ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपने प्राइस बिहेवियर को, अपने ट्रेडिंग पैटर्न को बदल रहा है। तो नज़र रखिएगा, आज का लक्ष्य करीब करीब 288-290 और उसके बाद बात करेंगे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं उसके बारे में। तो आज का टुडेज ट्रेड है लवेबल, जहां पर 288 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं, स्टॉप लॉस आपको 268 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आईपीओ मार्केट की। आज आईपीओ मार्केट में एक नए प्लेयर की एंट्री होगी, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, ये इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट आप है एलएनटी की। आईपीओ आज ओपन होगा, जो प्राइस बैंड है वो 850 से 860 के बीच तय किया गया है और करीब 900 करोड़ कंपनी की जुटाने की योजना है। 15 सितंबर को ये क्लोज होगा और जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से इस आईपीओ को लेकर वो मिक्स्ड रही हैं। ज्यादातर हाउसेस का कहना यह है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, टाटा एलेक्साई साइंट जैसे प्लेयर्स से इसको कंपेयर किया जा रहा है जो कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हैं अगर एलएनटी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें, और ऐसा भी मानना है कि बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की संभावना नहीं है। गौरान, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के आईपीओ को किस तरह के रेस्पॉन्स की आप उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि एक तो देखिए आप ऐसे समय में ही आईपीओ खुल रहा है जब जहां पर सेंटिमेंट्स मार्केट के थोड़े से वीक हो गए हैं रीसेंट रनअप के बाद, और दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी जो इसकी प्राइसिंग जिस पर ये आईपीओ आ रहा है उसको लेकर भी कंसर्न्स हैं, जो वैल्यूएशन है उसको काफी रिच बताया जा रहा है। ऐसे में आप किस तरह के रेस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं इस आईपीओ को और आपने सलाह क्या दी है अपने क्लाइंट्स को? दीपाली, लंबी अवधि के नज़रे से एज अ डिस्क्लोजर हमने सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन दी है, और जिस माहौल के बीच आज जो भी गतिविधि होनी है वो ज़्यादातर तो अंदेशा यही दे रही है आपको कि शायद नरमी भरा माहौल होगा। लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो हम कभी राय नहीं देते हैं क्योंकि ये एक स्पेकुलेटिव ट्रेड हो जाता है, और जो भी हमने कवायद सब्सक्रिप्शन की है वो बुनियादी तौर पर आकलन करके की है, और वैल्यूएशन वाइज हाँ ये बिल्कुल है कि थोड़ा रिचली वैल्यूड है जगह आप पीयर कंपैरिजन करने जाए तो, लेकिन हमें ये भी लग रहा है कि मैनेजमेंट की जो पेडिग्री है वो सर्वोच्चम स्तर पे है। और अगर आपको याद होगा तो कुछ सालों पहले एलएनटी फाइनेंस एंड होल्डिंग का आईपीओ आया था, एक लंबे अरसे तक कंसोलिडेट किया, अंडर परफॉर्म किया, लेकिन जब नतीजे आना शुरू हुए, कॉन्ट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ और जो भी मैनेजमेंट ने टिप्पणियाँ दी थी वो हकीकत में बदली गई, तो आज सूरत ही यह हाल है कि वो करीबन 100 के आसपास जा कर के आया एलएनटी फाइनेंस एंड होल्डिंग। तो जब भी आप ऐसे पेडिग्री जैसे स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको लिस्टिंग गेन या 3-6 महीने या साल भर का नजरिया नहीं रखना चाहिए, लंबी अवधि का नजरिया रखे तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। हरी, एक और चीज़ है, आप देखें जो क्रूड की गिरावट है उससे एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो होगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा। अब मैं ओएमसी का जिक्र यहाँ पे इसलिए हरी कर रहा हूँ, एक तो वो कि क्रूड में बहुत शानदार तेजी थी वो कायम रहेगी, वो चीज़ थोड़ी सी अगर आप देखें कमज़ोर पड़े हैं, वो विचार थोड़े से कमज़ोर पड़े हैं, और ये स्टॉक्स पिछले लगभग महीने भर से रेंज में बैठे हुए थे, स्लाइटली द नेगेटिव बायस। क्या आप पिक करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक बार फिर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, हरी, BPCL, HPCL, IOC? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखोगे तो ये तीनों जो कंपनियां हैं बीपी, एचपी और आईओसी, आई थिंक इनके मार्जिन्स पे काफ़ी हद तक हमें प्रेशर देखने मिला है। इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स फॉर एक्चुअली क्वाइट वीक, इफ यू कंपेयर जीआरएम्स ऑफ बीपीसीएल, एचपीसीएल विद रिलायंस, आई थिंक इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में बहुत बड़ा फर्क है, तो आई वुड बी अ लिटिल कॉशियस। दूसरी बात यह कि जब तक ऑयल आई थिंक $60 के नीचे रहता है, मुझे लगता है कि एनी फॉल इन ऑयल प्राइसेस गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगा,
एनी राइज आई थिंक कंपनी प्राइस बढ़ाएगा. सवाल यह है कि $60 के ऊपर क्या होगा? मेरे ख्याल से तब प्रॉब्लम होगा बिकॉज एट दैट पॉइंट गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरवीन एंड फिर से सब्सिडी शुरू हो जाएगा और फिर से कंपनीज को प्रॉब्लम होगा. तो मैं मानता हूँ कि जब तक $60 के नीचे है ये कंपनी सारे डिफेंसिव प्लेस रहेंगे, जब 60 के ऊपर ऑयल जाएगा आई थिंक सारी कंपनियां समस्या में आ जाएगी फिर से. जी अभिजीत, जो हाल ही के स्ट्रांग मूवर्स रहे हैं वहां पर एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग हमने फ्राइडे को देखी थी. दो तीन नाम मैं लेना चाहूंगी. एक तो आप देखिए भारत फाइनेंशियल 4% गिरकर ये बंद हुआ. डेरिवेटिव्स में भी काफी वीक था ये स्टॉक. एक आप देखिए इंडिया सीमेंट, स्ट्रांग परफॉर्मर रहा है ये, लेकिन यहाँ भी 3% की वीकनेस हमने देखी थी. और तीसरा स्टॉक रहेगा येस बैंक का. इन तीनों स्टॉक्स में कहीं ऑन डिप्स आप बायर हैं या फिर अभी अवॉइड कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द थ्री पिक्स आर वेरी सिमिलर. काफ़ी स्ट्रॉन्ग रन अप देखने को मिला था ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स. एक शॉर्ट टर्म नीज काइंड ऑफ रिएक्शन से सेल ऑफ मिला है एंड येस ऑल द थ्री स्टॉक शुड बी अप्रोच फ्रॉम बाय ऑन अ डिप. अगर मैं प्रायोरिटाइज करने जाऊँ देन इट विल बी येस बैंक फर्स्ट, जिस इसको क्लोज टू दैट 1140-1150 रेंज पे देखना चाहिए एज शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स. Bharat Finance structure on the weekly and the monthly charts are very strong. So that's the second, you know, and the last one is India Cement. India Cement ka jo sell-off dekhne ko mila, it's not that much compared to jo apne ko Bharat Finance or Yes Bank mein. So I think there is a little bit more ka correction left in India Cement. Keeping in mind, jis had say, you know, the stock has moved over the last few weeks. So Yes Bank followed by Bharat Finance and then India Cement in terms of the priority.